अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, लेकिन हरियाणवी तो अपने देश की अंचल की एक भाषा है। टांडे, इस कुत्ते, कौन बोल रहे? अरे वसूली बोल रहा हूँ तेरा बाप। भाइयों, 14 अक्टूबर ने गुलजार भाई की नई फिल्म आन लग रही है, तो आप जरूर देख के आइए। टच्चे बाजारू मोहल्ले के गुच्छे। सर, मूवी करने से पहले आपने गुलजार भाई कोई हरियाणवी सॉन्ग सुने थे? नहीं, सॉरी। अबे साले, एक नंबर के भिखारी, बासी तरकारी। और जब मैंने देखा कि इतने फॉलोअर्स हैं और लोग इतना प्यार करते हैं, तो मुझे ही लगा कि बताओ देश में अलग अलग क्षेत्रों में इतना अच्छा काम हो रहा है। सर भाई, राम राम। मेरा नाम राहुल अत्री, इसमें आप देखने लग रहे हो मिस्टर राहुल अत्री यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। तो मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है प्रिचे की मोहताज ने, बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, एज ए हीरो भी एज ए विलेन भी। तो हरियाणा में पहली बार काम कर रहे हैं मुकेश तिवारी जी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सबसे पहले राम राम। राम राम। सर, हरियाणवी फिल्म में काम करके कैसा लगा? यही प्रश्न तो अभी मैंने जवाब दिया था, बहुत अच्छा लगा। और वैसे ही लगा जैसे प्रोफेशनल बॉम्बे में या दूसरी फिल्मों में हम काम करते हैं। हाँ, ये बात है कि थोड़ी भाषा को बोल के बोली को लेके तनाव में था मैं कि पता नहीं कैसे बोलूंगा, लेकिन सब अच्छे से हुआ और आप लोगों को मजा आएगा। एक कमर्शियल फिल्म है और कहा जाए तो पहली कमर्शियल फिल्म है हरियाणवी लैंग्वेज में। काफी सदस्य को पता नहीं है कि आप बेसिकली कहाँ से हो, सर बता दीजिए। मैं मूलतः तो रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ, पढ़ाई दिल्ली में की है, फिर थोड़ी लंदन में की है, और अभी तो मैं मुंबई में रहता हूँ, काम वहीं पे करता हूँ, और अभी अभी तो चंडीगढ़ बैठा हूँ। सर, इस मूवी के लिए आपको किसने अप्रोच किया सबसे पहले कि आपको ये मूवी? प्रोडक्शन हाउस ने किया था, मिस्टर अजय हैं इनके सीईओ चौपाल के और इसके, और उन्होंने मुझे कन्विंस किया। और कन्विंस क्या, मुझे लगा कि अपने देश की ही एक बोली और भाषा में काम करने में शर्म की कैसी बात है, और बस स्क्रिप्ट अच्छी हो, प्रोफेशनल तरीके से बनाई जाए और एक परिवार के साथ लोग इस पिक्चर को देख सकें, तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। सर, काफ़ी सारे लोग हैं जो हर एक बात को कोई पॉजिटिव लेता है, कोई नेगेटिव लेता है, लेकिन काफ़ी सारे दर्शक इसको नेगेटिव भी लेंगे कि बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा तो आप हरियाणवी फिल्म में काम कर रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता, वो अब मैं गुजर चुका हूँ, मैं 23-24 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, कब से मैंने प्रश्न पूछे होंगे। और यदि ऐसे जो नेगेटिव उनके मन में आता है, तो अभी मेरी दहन हॉटस्टार डिज्नी पर रिलीज हुई वेब सीरीज, 22 तारीख को दिसंबर को सर्कस रिलीज हो रही है, नेक्स्ट ईयर स्कैम 2003 आने वाला है, फिर गर्मी आने वाला है, फिर बवाल पिक्चर आने वाली है। तो ये था जवाब उन दर्शकों को जो इस बात को नेगेटिव ले रहे थे। तो अभी आते हैं डीजे वाले बाबू पे। तो सर, कितनी डिफिकल्टी हुई हरियाणवी बोली बोलने में? जैसे भी अब जैसे अंग्रेजी बोलने में आपको होती है, लेकिन अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, लेकिन हरियाणवी तो अपने देश की अंचल की एक भाषा है। तो ऐसा नहीं, फिल्मों में भी सुना हुआ है, दोस्त भी हैं, साथ भी लोग पढ़े हैं, उनसे भी सुनता रहा हूँ, लेकिन फिल्म में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट अलग होता है कि फिल्म में किस तरीके की हरियाणवी बोली जा रही है, क्योंकि अब रोहतक में अलग हरियाणवी बोली जाती है, बागपत में अलग बोली जा रही है ना, कुरुक्षेत्र में अलग बोली जा रही है, तो अलग 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 लोकल फ्लेवर भी अलग अलग होते हैं। तो एक फिल्म का एक यूनिट बनानी जरूरी थी, यूनिटी कि ऐसे ही बोली जाएगी जैसे सब लोग बोल रहे हैं। तो बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया और बहुत सारे आर्टिस्ट ने आपके साथ काम किया इस मूवी में, जैसे गुलजार भाई हैं, तो क्या खास लगा आपको इनमें, इनके साथ काम करना? सहज हैं, सरल हैं, और उनके लिए मतलब अभिनय कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो एल्बम्स में काम कर चुके हैं और वो बहुत ही नेचुरल परफॉर्मर है। तो सर, मूवी करने से पहले आपने गुलजार भाई कोई हरियाणवी सॉन्ग सुने थे? नहीं, सॉरी, उसके पहले मैंने नहीं सुने थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखता नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, इसलिए ये मेरी गलती थी, उनकी गलती नहीं है। लेकिन उसके बाद जब मिला तो उन्होंने खुद ही दिखाया अलग 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 अलग, और जब मैंने देखा कि इतने फॉलोअर्स हैं और लोग इतना प्यार करते हैं, तो मुझे ही लगा कि बताओ देश में अलग अलग क्षेत्रों में इतना अच्छा काम हो रहा है। सर, कोई जो आपका पसंद आया उनका सॉन्ग गाया हुआ? उनकी सभी अच्छे ही हैं, मतलब वो, क्योंकि अब मैं टिपिकल नहीं बोल सकता हूँ कि यही वाला पर्टिकुलर पसंद आया, उनके लगभग लगभग सभी गाने मजा देने वाला। तो सर, मूवी के सेट पे बॉन्डिंग कैसे रही? हम लोग मित्र भाव से काम करते हैं, और मैं बिल्कुल सीनियर जूनियर नहीं मानता हूँ, क्योंकि यदि कोई जूनियर है तो उसको मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको मैं कितना सहज सरल करता हूँ उसको, क्योंकि मैंने यदि ज़्यादा काम किया है तो नए कलाकार की थोड़ी गलती है उसमें, तो उसको अपन उसमें थोड़ी बूझ रखते हैं। तो सर, मैं कुछ हरियाणवी वर्ड बोलूँगा, आपको रिपीट करने हैं। भाइयो, 14 अक्टूबर ने गुलजार भाई की नई फिल्म आन लग रही है, नई फिल्म आन लग रही है, तो आप जरूर देख के आइयो। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे साथ मुकेश तिवारी जी, बॉलीवुड के बड़े मुख्य कलाकार भी हैं, अच्छे कलाकार हैं, और हरियाणवी मूवी में काम किया। तो एक्सपेक्ट यही रहेगा कि आप सब जाओगे और हरियाणवी सिनेमा को प्यार दोगे और अच्छे से इसको ऊपर उठाओगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।